सबको स्वागत है कि आप मुझे सुन सकते हैं। जी सुन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपको। एंड आज की श्रृंखला हमारा एपिसोड नंबर 2 ऑन एंग्जाइटी। एंड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम सबसे मुख्य परमपिता परमात्मा को, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या बेहद अनंत शक्ति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, उनको हम याद करें कुछ क्षणों के लिए, ताकि ये हमारा सेशन सफल हो और जिस कार्य के लिए हम आए हैं परमात्मा हमसे वो कार्य पूरा करवाएं। ओम शांति। आज हमारा एपिसोड नंबर 2 है, एंग्जाइटी के ऊपर आज बातचीत हो रही है। पिछले सेशन में हमारी बहुत ही मीठी मीठी बातें हुई थी। हमारे साथ पिछले सेशन में थे शिव नेहा सिस्टर मुंबई से, और हमारे साथ में थी साइकोलॉजिस्ट सिस्टर जो हैं साइकोलॉजी को परस्यू कर रही हैं, सिस्टर ज्योति मेहता यूके से। एंड हमने काफी सारी बातें करी थी अलग अलग पहलुओं पर लेकर के, और उन्हीं बातों को हम आगे लेकर के चलेंगे आज के सेशन में। एंड आज हमारे साथ में हमारे बहुत ही मुख्य वरिष्ठ भाई जी ब्रह्म कुमार सचिन परब भाई जी आए हुए हैं। एंड मैं सचिन परब भाई जी को स्पॉटलाइट लेट में ले रहा हूँ। सचिन परब भाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमपिता परमात्मा की ये ईश्वरीय सेवा में। ब्रह्म कुमारी दार्जिलिंग के द्वारा ये शुरुआत करी गई सेवा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। एंड हमारे बीके सचिन पर भाई जी राजयोगा मेडिटेशन टीचर भी हैं, पिछले 27 सालों से वो ज्ञान में हैं। कहने का अर्थ है परमात्मा का ज्ञान ले चुके हैं, उसके अनुसार वो अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो एक MBBS काउंसलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। वो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं और रिसिपिएंट रह चुके हैं महात्मा गांधी डी एडिक्शन अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही साथ आदर्श डॉक्टर अवार्ड एंड रोटरी सर्विस अवार्ड भी उनको सम्मानित किया गया उसके साथ में। एंड उन्होंने अपने जीवन काल में एक किताब लिखी है जिसको कहते हैं मोटिवेशनल बुक, समस्याओं से समाधान तक। भाई साहब, आपके बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको कि मैं अगर गिनना चाहूँ तो यहाँ पर 5-10 मिनट निकल जाएंगे हमारे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ में सचिन परब भाई जी के साथ में आई हुई एक और हमारी प्यारी सिस्टर, उनको भी मैं आप सबके समक्ष लेके आता हूं। हमारी प्यारी सिस्टर यूनाइटेड किंगडम में अपनी बाबा की सेवाएं दे रही हैं परमात्मा पिता की, और वहां पर ईश्वरीय सेवा भी दे रही हैं, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सोसाइटी को भी वो हेल्प कर रही हैं। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, चार्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी को हेल्प कर रही हैं, और साथ ही साथ NHS लंदन में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, और परमात्मा पिता से भी जुड़ी हुई हैं पिछले 2 या 3 सालों से, एंड अपने समय से आगे चल रही हैं। बहुत ही मीठी मीठी, बहुत ही अच्छे शक्तिशाली तरीकों से हमें गाइड भी करती हैं कि कैसे इन सेवाओं को और आगे बढ़ाया जाए। तो आज हमारे समक्ष हैं हमारे सचिन परब भाई जी एंड हमारी ज्योति मेहता सिस्टर। सिस्टर, ऑन टू यू, आप हमें आगे लेकर जाए, मार्गदर्शन करें, एंड आपके साइकोलॉजिकल एंड साथ में स्पिरिचुअल, जिसे हम कहते हैं साइको स्पिरिचुअल फाउंडेशन को लेकर के हम इन चीजों को एक्सप्लोर करें आज। और हमारे साथ में सचिन परब भाई जी हमारे मुख्य वक्ता हैं, और हम सब मिलकर के चिट चैट करेंगे, एंड 45-50 मिनट्स का ये सेशन रहेगा। उसके बाद में जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं हमारे दर्शक, आप सबको समय मिलेगा, आप हम सबसे क्वेश्चन पूछ पाए, स्पेशली सचिन भाई साहब से, वो हमारे से सीनियर हैं और काफी अनुभवी हैं। एंड साथ ही साथ उसके बाद में हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी बहुत मीठी प्यारी सिस्टर, जो कि ब्रह्म कुमारी दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड वो हमें एक बहुत अच्छा मेडिटेशन सेशन करवाएंगी ये सारी बातों का निचोड़ लेकर के। तो आप अंत तक बने रहें ताकि आप मेडिटेशन सेशन को मिस ना कर पाए। इसके साथ ओम शांति। सिस्टर ज्योति, ऑन टू यू। Thank you, Param Bhaiji. Thank you so much for beautiful summarization and ye platform create karne ke liye. I think thanks to Baba and I think thanks to you ki aap
इसके निमित्त हैं, बहुत ब्यूटीफुली हमें कनेक्ट करते हैं एवरी वीकेंड. सो लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट एंजाइटी, हमने पिछले टॉक में पहले पार्ट में डिस्कस किया था एसेंशियली कि एंजाइटी क्या होती है एंड हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें या किसी और को एंग्शियस फील हो रहा है. और हमने काफ़ी ब्यूटिफुली डिफरेंट एस्पेक्ट से, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, मेडिकल एस्पेक्ट से, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से भी हमने देखा था कि कैसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं. और हमने थोड़ा बहुत सोल्यूशन पे भी टच किया था. सो क्योंकि ऑब्वियसली हमारे साथ डॉक्टर सचिन हैं, मे बी हम उनसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं, वो क्या उनके परस्पेक्टिव्स क्या हैं इस सेक्शन में. जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आज शायद हम फोकस करेंगे कि क्या हम डिफरेंट एस्पेक्ट से ओवरकम कर सकते हैं एंजाइटी को. इज दैट करेक्ट भाई जी? जी सिस्टर, थैंक यू सो मच. सचिन भाई साहब, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा. काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ भाई साहब. यस भाई साहब, प्लीज गो अहेड. दैट इज नॉट व्हाट इज कम्युनिकेटेड टू मी. ओके, आई हैड डिफरेंट परसेप्शन अबाउट दिस सेशन. मुझे लगा ये पहला सेशन है एंजाइटी का, तो आपने पिछली बार लिया है, ये अच्छा है. सो आई वॉज नॉट देयर, मैं पिछले सेशन में नहीं था, इसलिए मैंने बेसिक बातें ली हुई है. एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, वो मैं शेयर करूंगा और उसके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा. ओवरकमिंग एंजाइटी के बारे में मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मुझे बोला कि काउंसलर आप है और वो मेडिटेशन के बारे में सुना रहे हैं, तो हर एक को 15 मिनट मिलेगा और फिर लास्ट में 10 मिनट मेडिटेशन होगा. तो उस हिसाब से मैंने अपना प्रेजेंटेशन बनाया है. फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में तो हम उसको ले सकते हैं. तो अगर आप छुट्टी दे तो मैं चालू करूं. जी भाई साहब, प्लीज. जी भाई. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. हाँ, हेलो, आप मेरा प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं क्या? हाँ जी भाई साहब, काइंडली जो जो प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं काइंडली थम्स अप करके रिप्लाई करें. तो पिछले 25 साल से मैं पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ, 27 साल से, और काउंसलर हूँ, थेरापेटिक काउंसलर. सीबीटी एक थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसको यूज करते हैं. और मेडिटेशन ऑफकोर्स सही है, कुछ लोगों को हम डीप ट्रांस में लेके जाते हैं थ्रू सर्टन सजेशंस, तो हमको अच्छे रिजल्ट आते हैं उससे. और मेरे सबसे ज्यादा पेशेंट एंग्जाइटी के होते हैं. ये आपको सामने जो फोटो दिखाई दे रहा है, मैं अभी 2 साल कोविड में आईआईटी मुंबई में सेवाएं दे रहा था. तो जो आईआईटी के स्टूडेंट है मुंबई के, जो पोस्ट ग्रेजुएट परसू कर रहे, पीएचडी कर रहे हैं, अचानक इमरजेंसी में आ जाते हैं और वो कहते हैं मेरा सांस रुक रहा है करके, चोकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, सांस नहीं ले पा रही हूँ एंड अभी मैं मर जाऊंगी. सो दिस इज क्लासिकल पैनिक अटैक, इसको बोलते हैं, जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी या चिंता की बीमारी है. दूसरा, मेरे पास एक ट्रेनर आया था जो फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं मसल बिल्डिंग के. उनकी हाइट 6.5 फीट के करीब थी, अच्छे मसल्स थे, और वो वाइफ के साथ आए थे. और वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने आपके पास भेजा. तो उसको छाती में दर्द होता है, हार्ट में पेन होता है, उसके सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता है कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा. जब डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे सब रिपोर्ट नॉर्मल है, सो दिस इज ऑल्सो एंग्जाइटी. मेरे पास और एक केस है जो हाउस वाइफ है, तो उसको एंग्जाइटी कैसे है कि उनका घर जो है हाईवे को लग के है, तो हाईवे से बहुत गाड़ियां आती जाती रहती है. तो एम्बुलेंस जब जाती है, एम्बुलेंस सायरन के साथ जाती है, तो जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन बजता है इसके पेट में दर्द चालू हो जाता है और उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, क्योंकि एम्बुलेंस में इमरजेंसी माना कोई बहुत सीरियस कंडीशन है और हमारे घर में से किसी को इंजरी हुई है, हार्ट अटैक आया है, वो मर चुके हैं, डेड बॉडी लेके आ रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो एंग्जाइटी.
तो ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं, एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर लगातार कई महीनों तक जा सकते हैं जिस तरह से साइकियाट्री में हमको सिखाया जाता है, लेकिन हम आज शॉर्ट में देखेंगे। मैं चाहूंगा जो नॉन मेडिकल है उनके कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न को नोटिस करें, क्योंकि जैसे आप सेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस हैं। एक हमको फर्क करना पड़ता है कि डर सबको होता है, लेकिन डर और चिंता में फर्क होता है। डर जो होता है, आपके सामने कोई थ्रेट आ गया, खतरा आ गया, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक वायरिंग बनी हुई है जो हमको खतरे से बचाती है। पर एंग्जाइटी जो होती है, चिंता, ये फ्यूचर के बारे में होती है और उनका हमेशा ये थॉट हुआ, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये इनकी भाषा होती है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, और दोनों में एक ही नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या जिसको सिंपल भाषा में हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। और इसमें हमारे ब्रेन की कमजोरी है कि ब्रेन को रियल और इमेजिनेशन, इसमें फर्क नहीं पता चलता है। आपके सामने टाइगर है या आप टाइगर के बारे में सोच रहे हैं, दोनों में ब्रेन एक इक्वली रिएक्ट करेगा। आज टाइगर तो नहीं है, लेकिन टाइगर जैसी सिचुएशन हमारे सामने है। ये थर्मामीटर है एंग्जाइटी का, जो मेरे मोस्ट ऑफ द सेशंस में मैं दिखाता हूँ। हम ट्रैफिक लाइट में ये तीन कलर देखते हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन माना आप जा सकते हैं, येलो माना यू हैव टू स्लो डाउन, रेड माना यू हैव टू स्टॉप। तो यहाँ पे नीचे स्केल दिया गया है, स्केल माना एक पट्टी होती है जिससे कि आप अपने चेहरे को देख सकते हैं कि जैसे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है या चिंता बढ़ती है तो क्या होता है। तो नॉर्मली व्यक्ति शांत होता है, सीरीन होता है, फिर उसको किसी बात की कंसर्न होना अच्छा है। जैसे अभी ये प्रेजेंटेशन है, कई लोगों को प्रेजेंटेशन का भी एंग्जाइटी होता है, वो एंग्जाइटी वाले लोग तुरंत पहचान में आते हैं। अगर सेशन 5 का होगा वो 4:30 बजे से ही तैयार रहेंगे, 4:45 बजे से, माना उनके अंदर ये चिंता तुरंत चालू हो जाती है, किसी को लेक्चर लेना है, तो दैट इज ओके। लेकिन जब कंसर्न वरी में बदल जाता है, देन यू क्रॉस द बाउंड्री। तो कंसर्न होना अच्छा है, इसको हम कहते हैं गुड एंग्जाइटी, माना ऐसी चिंता करना अच्छा है जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़े। लेकिन जब आपका कंट्रोल चला जाता है तो आप दूसरे जोन में एंटर करते हैं जिसको हम कहते हैं वरी, और वरी के बाद फिर वो रेड जोन में आप जाते हैं जिसका एंड पैनिक में होता है। अभी यहाँ पर आपको ये जो येलो और ब्रिक रेड है, यहाँ पर आपको संभालना है। यहाँ पर जब आपको लगता है कि आपका जोन बदल रहा है, उस समय आपको किसी के पास बात करनी चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोग अपने तरह से इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी में कोपिंग मैकेनिज्म्स कहते हैं, और वो सभी कोपिंग मैकेनिज्म हेल्दी नहीं होते हैं। लोग चिंता कम करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई और कैफीन, कोल्ड ड्रिंक या फूड के अलग अलग आइटम्स लेते हैं, या और कोई चीजें करते हैं, पर दैट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा ब्रेन के बारे में मैं बताऊंगा कि वर्तमान साइंस बताता है कि हमारे तीन ब्रेन हैं, एक जो रेप्टिलियन ब्रेन है जो जमीन पर चलने वाले, फिर एक इमोशनल ब्रेन होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, और एक लेटेस्ट ब्रेन जो हमारा आगे का हिस्सा है, नियोकॉर्टेक्स, या इसको PFC कहते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी हमको जो समझना है वो है इमोशनल ब्रेन एंड ये नियोकॉर्टेक्स, माना थिंकिंग ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन, इसके बारे में हमको समझना है। हमारे ब्रेन के अंदर पहले से ही प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म, हमको अपने बचाना होता है। तो ब्रेन के अंदर ये प्रोग्रामिंग है जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, और एक लॉन्ग कट है जो नियोकॉर्टेक्स को जाता है। होता क्या है, जब भी सिचुएशन आती है हमारे जीवन में, कोई भी सिचुएशन परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति को हमारा ब्रेन अर्थ निकालता है, हमारा मस्तिष्क, इसमें खतरा है, तो
कई लोगों के लिए छोटी छोटी बातें भी खतरा बन जाती है जो आम आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, तब वो बॉर्डर क्रॉस करता है। तो ये मैकेनिज्म हमारे अंदर है और ये हमको बचाने के लिए है कि आपको उस परिस्थिति से कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब ये रिस्पॉन्स कंट्रोल के बाहर चला जाता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। अभी एम्बुलेंस का आवाज से किसी को एंग्जाइटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को होती है। आपका घर का कोई सदस्य लेट आता है ना, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, घर का कोई सदस्य है, उसका 6 बजे का शाम को घर पे आने का टाइमिंग है, अभी 6:30 हो गया तो ये इनका एंग्जाइटी चालू हो जाता है, ये रेस्टलेस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे और टॉयलेट भागना पड़ता है क्योंकि वो विजुअलाइज करते हैं नेगेटिव चीजें। सो एंग्जाइटी इज रॉन्ग यूज ऑफ अवर विजुअलाइजेशन स्किल्स। तो जो इमोशनल ब्रेन होता है वो थिंकिंग ब्रेन के ऊपर ओवरराइड करता है एक प्रकार से। हमारा जो रैशनल ब्रेन है, तर्क से चलने वाला, वो इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता। इट्स लाइक आपकी भावनाएं जो है वो आपके विचार के ऊपर हावी हो जाती है, आप तर्क से परिस्थिति में सोच नहीं पाते हैं और एक्सेसिव फियर और डर होता है। यही मैकेनिज्म है एंग्जाइटी। लोगों को लगता है केवल चिंता करना, ऐसा नहीं है। मेडिकल में एंग्जाइटी बहुत बड़ा हेलो, आवाज बंद हो गई है भाई, आवाज नहीं है, सॉरी। अभी आ रहा है आवाज? अच्छा, यस, वी कैन हियर यू नाउ। हां जी, तो एंग्जायटी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। चिंता तो एक आम आदमी लेमैन का शब्द है चिंता करना, लेकिन एंग्जायटी या चिंता, इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है। तो उसमें से कुछ बीमारियां मैंने यहाँ पर दिखाई है। एक तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, माना आप अनावश्यक चिंता करते जा रहे हर परिस्थिति के बारे में। तो ये बीमारी तब होती है जब 6 महीने से ज्यादा आपके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं, और इसका ही शॉर्ट वर्जन है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हम कहते हैं। वो 4 हफ्ते से अंदर अगर आपको एक्सेसिव वरी है तो उसको एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन कहते हैं। ये मेडिकल में हम कैसे डायग्नोस करते हैं। दूसरे जो मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं वो ओसीडी के आते हैं। इसके बारे में शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। माना बार बार, दो इसमें दो चीजें होती है, ऑब्सेशन होता है और कंपल्शन होता है। ऑब्सेशन इज अबाउट थॉट्स, आपको बार बार एक ही विचार आ रहा है, बार बार आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रुक नहीं रहा है। और कंपल्शन ये एक एक्ट है। जैसे एग्जांपल दूंगा, कम्युनिस्ट होता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए। अभी हाथ गंदे हो गए ये विचार आपको बार बार आ रहा है, तो क्या करोगे आप? हाथ गंदे हो गए तो आप हाथ धोने लगोगे, है ना। हाथ धोने से आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर से विचार आएगा कि हाथ अभी तक साफ नहीं हुआ, आप फिर से धोना चालू करेंगे। और कब तक धोएंगे? जब तक आपके हाथ की चमड़ी नहीं निकल जाती है। सो इट्स अ डिसीज, सीवियर फॉर्म। मैंने मेरे जीवन में देखा, व्हाट वाज वेरी शॉकिंग, एक 27-28 साल की युवती फीमेल, उसको ये बीमारी थी कि घर का कोई भी व्यक्ति उसको टच नहीं कर सकता था। उसको रोज डेटॉल से स्नान करना पड़ता था और घर वालों को भी डेटॉल से स्नान करना पड़ता था। और सबसे ज्यादा उसको तकलीफ तब होती थी जब उसके पीरियड चालू होते थे। तो उसके लिए वो साइकियाट्रिस्ट की बहुत सारी दवाई लिया, लेकिन अल्टीमेटली उसकी एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई कि उसको अपना गर्भाशय निकालना पड़ा। शी इज बैचलर, बिफोर मैरिज उसको अपना गर्भाशय निकालना पड़ा। तो ये ओसीडी यहाँ तक जा सकता है। ओसीडी बॉर्डर लाइन भी होता है, एक्सट्रीम भी होता है, फिर एक PTSD करके होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, है ना, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई भी ट्रॉमा हुआ आपको, वो ट्रॉमा के बाद आपको वो याद आता है, वो इवेंट याद आता है और उसके साथ फिर एसोसिएटेड मेमोरीज होती है।
पैनिक डिसऑर्डर का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, पैनिक वाले जो लोग होते हैं ये बहुत सीरियस होता है, घर वाले डर जाते हैं, साथ वाले डर जाते हैं, उनको लगता है पेशेंट अभी मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है, लेकिन उसका इलाज करना पड़ता है, सीरियस होता है, उसको एडमिट करना पड़ता है। और एक होती है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें लोगों से मिलने का कई लोगों को डर लगता है। अभी इसमें भी आपको फर्क करना पड़ेगा कि कई लोग शर्मीले नेचर के होते हैं, कई लोगों को बात करने में शर्म आती है, पर वो शर्म आना और सोशल एंजाइटी, इसमें बहुत फर्क है। एक और कॉमन एंजाइटी मैं देख रहा हूँ आजकल पढ़े लिखे लोगों में, हम उनको कहते हैं साइबर कॉन्ड्रिया, और वो एंजाइटी होती है गूगल के वजह से। गूगल में अपनी बीमारी के लक्षण देखना और ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करना, ये लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ये साइबर कॉन्ड्रिया वाले लोग हैं। तो आपको ज्यादा गूगल नहीं करना चाहिए, कोई डाउट है तो आपको पूछ लेना चाहिए। मेरा स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल रिसर्च रहा है, तो जब बड़े शहरों में हमारा ट्रायल होता था, क्लिनिकल रिसर्च होता था, तो पढ़े लिखे लोग उस ड्रग के बारे में 15-20 पेपर प्रिंट आउट लेके आते थे, गोली का साइड इफेक्ट ये है, अगर ये हुआ तो क्या। सो दिस इज टू मच। गूगल पढ़ने के वजह से या टीवी के ऊपर कई शोज आते हैं हेल्थ रिलेटेड शोज, वो सुनने के बाद कई लोग समझते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे। हम इनको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हमारे पास एक बहन है, उसको गले में खांसी हो गई तो वो एक्सट्रीम सोचेंगे, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हुआ है गले का, तो पेट में दर्द है तो वो सीधा एक्सट्रीम में जाएंगे, तो ये भी हाइपोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ऐसे एंजाइटी के बहुत सारे प्रकार है। आज हम जनरल एंजाइटी के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट हम कवर नहीं कर पाएंगे। एंजाइटी के लक्षण होते हैं अलग अलग, शारीरिक, मानसिक और बिहेवियर। मेरे ख्याल से बहन जी जब बोल रही थी तो लास्ट टाइम आपने इसके ऊपर चर्चा की होगी। क्लासिकल एंजाइटी में जो होता है, हार्ट, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, चक्कर आता है, पसीना आता है, हेडेक होता है, मुंह सूख जाता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी जैसा लगता है, लूज मोशन होता है, मसल में पेन होता है, बेचैनी होती है और रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। साइकोलॉजिकल में आप इम्पेशेंट होते हैं, यू आर एजी, अंग्रेजी में हम कहते हैं एजी, हमेशा थके हुए रहेंगे, आपका मन बहुत भाग रहा होगा, कई बार ब्लैंक हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाते क्या करें, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, मेमोरी में प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर में आपके ऑब्सेशन या कंपल्शन होता है, फोबिया होता है। फोबिया इज ए एक्सट्रीम टाइप ऑफ एंजाइटी, इसमें ये अलग सब्जेक्ट हमारा चल सकता है। फोबिया, बहुत प्रकार के फोबिया होते हैं, जैसे कई लोग लिफ्ट में जाने से डरते हैं, उनको डर रहता है कि लिफ्ट अचानक कहीं रुक जाएगी तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, तो फोबिया। मेरे पास एक केस आया था, मुंबई में ट्रेन चलती है, उसको ट्रेन में जाने का डर था, क्योंकि ट्रेन में जाऊंगा मैं, चढ़ने के बाद में उसको डर क्या लगता है। हमारे मुंबई के ट्रेन में गेट क्लोज नहीं होते, खुले रहते हैं, जैसे फॉरेन में या मेट्रो ट्रेन अभी चलती है तो गेट क्लोज हो जाते हैं, मुंबई में ट्रेन के दरवाजे खुले रहते हैं। तो उसको एंग्जाइटी इस बात की थी कि मैं ट्रेन के गेट में से जंप कर दूंगा कभी भी, ये एंग्जाइटी उसको थी, इसकी वजह से उसने जर्नी करना छोड़ दिया था, ट्रेवल ही नहीं करते थे। सो फोबिया होता है, अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन, सोशल सिचुएशन में डिस्ट्रेस होता है, तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। एक एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूंगा, जहां पर एक आम आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है, कि एंजाइटी कई बार दूसरे बीमारियों के साथ में आती है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी माना आपको एंजाइटी तो है ही है, लेकिन साथ में, तो इसको हम कहते हैं मिक्स एंजाइटी डिप्रेशन या और भी बीमारी। तो ये साइकियाट्रिस्ट का काम होता है कि आपकी बीमारी का डायग्नोस करना। तो यहाँ पर थोड़ा फर्क, क्योंकि एंजाइटी के साथ डिप्रेशन साथ में जाता है कई बार,
और जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, वो एंजाइटी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो डिप्रेशन में भी काम आता है, या साइकोसिस की दवाई या लो डोज में एंजाइटी कम करने का काम करती है। इसलिए थोड़ा फर्क, पर फिर भी मैं कहूंगा आप खुद डायग्नोस नहीं करो, आपको कभी भी डाउट है तो प्लीज गेट द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। तो एंजाइटी में हमने देखा दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, मसल टेंशन होता है, हाइपर विजिलेंस होता है, ओपन स्पेस में जाने का डर लगता है। पर डिप्रेशन इसके टोटली अगेंस्ट, थकावट रहेगी, चिड़चिड़ा होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, गिल्ट होगा। गिल्ट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट, और गिल्ट के साथ हेडेक मैं देख रहा हूँ। हेडेक कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, वर्थलेस, हेल्पलेस, हेल्पलेस, होपलेस, प्रोलॉन्ग ग्रीफ, लंबे समय तक दुख का फीलिंग होगा, लंबे समय तक उदासी का अनुभव होगा, और एक्सट्रीम केसेस में सैड, आत्महत्या के विचार आएंगे। तो ये दोनों ओवरलैप होते हैं कई बार, तो ये डॉक्टर का काम है कि इसको प्लेन एंजाइटी है या एंजाइटी के साथ डिप्रेशन है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स कॉमनली इसलिए ऐसी दवाई देते हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में आपको मदद करे। तो टिप्स के बारे में अगर आप मुझे पूछो तो बहुत कुछ कर किया जा सकता है, लेकिन एक चीज जो बहुत मदद करती है वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन ये बहुत मदद करता है एंजाइटी में, क्योंकि एंजाइटी वाले बेचैन रहते हैं बहुत। तो बहुत सारे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, भारत में तो शवासन कराते हैं, शवासन इट इज वेरी हेल्पफुल, या फॉरेन में जैसे प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, जैकबसन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, या ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन इस्तेमाल करते हैं। वॉट एवर मेथड विच हेल्प्स यू, जैसे मैं कुछ हिप्नोटिज्म के टेक्निक से सजेशन से हम रिलैक्स कराते हैं, वॉट एवर टेक्निक हेल्प्स यू टू रिलैक्स, यू मस्ट रिलैक्स। पर हम कहते हैं कि अपने कैफीन इंटेक को कम करो, माना अल्कोहल और कैफीन, ये एंजाइटी का इलाज नहीं है। मैं जब भी कंपनी में सेशन लेता हूँ तो मैं कंपनी वालों को हमेशा कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ टी एंड कॉफी ब्रेक, टेक रिलैक्सेशन ब्रेक, क्योंकि टी एंड कॉफी आर स्टिमुलेंट, दे आर नॉट रिलैक्सेंट। Unfortunately, most of the companies में drink होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक्सरसाइज डेली करने से आपको बहुत मदद मिलता है। समय पर खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, नींद लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये सब करने से रिलीफ नहीं मिलता है, प्लीज गेट हेल्प ऑफ अ डॉक्टर। दवाइयाँ बहुत है इसके ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ है। सिर्फ ओनली वर्ड ऑफ कॉशन, एंड दिस इज माई लास्ट स्टेटमेंट, ओनली वर्ड ऑफ कॉशन इज, दवाइयों की आदत नहीं लगाना है, दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है, क्योंकि दवाइयों की आदत लगती है एंजाइटी के दवाइयों की, ठीक है। और काउंसलर का, आजकल बहुत अच्छी अच्छी काउंसलिंग की थेरेपीज अवेलेबल है, स्पेसिफिक फोबियाज के लिए, चिंता की बीमारियों के लिए, ओसीडी के लिए, लेकिन दवा और दुआ जैसे ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है, अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दवा के साथ में दुआ या मेडिटेशन और दवाई आप लेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। लास्ट में हमारा अनुभव मैं कहना चाहूंगा, कुछ एंजाइटी के पेशेंट पूरी तरह से ठीक होते हैं, कुछ लोगों की एंजाइटी कंट्रोल में आती है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लंबे समय तक एंजाइटी चली रहती है, दे हैव टू कंटिन्यू देयर मेडिकेशंस फॉर लॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम बचपन से ही पेरेंटिंग स्किल हमारे अच्छे हैं, हम बचपन से ही अच्छे एटीट्यूड सिखाए और मेडिटेशन करें, ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन, तो मैंने बहुत लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन में रिलीफ मिला हुआ देखा है। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीजों को कवर कर लिया है, बेसिक्स जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, एंड आपने और गहराई में जाकर के लेके गए हैं आप कि कैसे एक बॉर्डर लाइन है जहां पर कि आपका एंजाइटी एंड डिप्रेशन साथ में ही चल रहा होता है, लेकिन इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं एंड इनकी फीलिंग्स भी डिफरेंट होती हैं हर एक की। एंड इसमें आपने बहुत बहुत ही ब्यूटिफुली कहा कि आप एल्कोहल एंड कैफीन की जगह पर आप
और एक्सरसाइजेस या योगा या कोई और अच्छे तरीकों से आप अपने आप को हील कर पाए। तो इसी चीज को लेकर के अगर हम आगे चलें, ज्योति मेहता सिस्टर आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? श्योरली डॉक्टर सचिन, थैंक यू सो मच। एंड लाइक परम भाई जी कह रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुली समराइज किया एंड बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आई थिंक सिंपल भाषा में। एंड मैं भी सहमत हूँ जब आप लास्ट में कह रहे थे कि हम डेफिनेटली जब हम क्लिनिकल जब एंग्जाइटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है तब हम ऑब्वियसली मेडिकेशन की बातें करते हैं। एंड आई थिंक लास्ट टाइम भी हम जब सेशन में थे तो किसी ने पूछा था हमसे कि क्या दवाइयाँ लेनी जरूरी होती हैं। एंड मैं उस आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, आई थिंक आई लाइक टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि जब हम जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो इनिशियली वी माइट नीड सपोर्ट व्हील्स। तो शुरुआत में सपोर्ट व्हील्स की जरूरत जरूर हो सकती है, पर इवेंचुअली आपको पूरे टाइम जिंदगी उस सपोर्ट व्हील्स पे नहीं गुजारनी है। बट ये भी नहीं करना है कि जब जरूरत है तब हम नहीं मेडिकेशन या कोई और उन ऑल्टरनेटिव तरीके को अप्रोच करें। बट डेफिनेटली उस आई थिंक ब्रिंगिंग, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि स्पेशली इस एरा में, स्पेशली जैसे हमारे यूथ अभी रेज हो रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, एंड ऑल्सो लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो हाउ जो स्टैट्स हैं इवन इन इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब, लाइक WHO कहती है कि इट्स 1 in 4 पीपल हु मे सफर or experience depression in one time in their life, you're very vulnerable. And depression ke saath saath, I think it's 1 in 7 with WHO. This is in 2017. Ye hai tab ki baat kar rahe jab pandemic hit bhi nahi hua tha. Which is to say 1 in 4, 1 in 7 is like almost, hamari family mein, India mein, collective society mein, literally every family might have someone. I think इस समय अ लॉट ऑफ टाइम आई थिंक आई कीप वंडरिंग कि हम बहुत वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ डील विद अ सिचुएशन। जब किसी को एंग्जाइटी हो जाती है या डिप्रेशन के एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तब हम उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर आई थिंक इट्स ऑल्सो एन अ गुड अप्रोच कि हम इसे प्रिवेंटिव तरीके से देखें इन टर्म्स ऑफ क्या मैं ऐसी, जैसे आपने बहुत ब्यूटिफुली बोला कि पेरेंटिंग स्टाइल्स, या क्या मैं अर्ली एज से अपने लाइफ स्टाइल में ऐसा कुछ इंक्लूड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे मैं उस चीज के लिए या प्रिपेयर रहूँ, लाइक हाउ इट्स लाइक हमें कोई बता रहा है कि एट सम पॉइंट शायद तुम एक स्विमिंग पूल में या एक रिवर में गिरने वाले हो। सो डू वी जस्ट वेट कि जब मैं गिरूंगी तब मैं स्विमिंग सीखूंगी, या मैं कुछ अभी कर सकती हूँ जिससे मुझे इस समय मदद हो और मैं अपने आसपास वालों को भी आइडेंटिफाई कर सकूं। सो आई थिंक उस प्रिवेंशन वाले टेक्निक्स में डेफिनेटली, ऐसे आपने बोला, मेडिटेशन इज वन होल चंक जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो मैं आज सीख सकती हूँ। या फिर से आप एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे, तो रिलैक्सेशन की बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो मैं आज ऑलरेडी इंक्लूड कर सकती हूँ, इवन इफ इट इज 15 मिनट्स इन माई लाइफ। बट अगर मैं आज उस चीज को प्रैक्टिस करूंगी तो जिस दिन मुझे सिचुएशन ओवरवेलमिंग लगेगी या कोई ट्रॉमा मुझे डील करना पड़ेगा, या देयर इज अ लॉस ऑफ एनीथिंग, या फिर लॉस ऑफ अ जॉब, लॉस ऑफ समवन, या पैंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन आए, तो अगर मैं, इट्स लाइक आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं चीजों को या चैलेंजेस को डील करने के लिए। सो आई थिंक I believe कि शायद especially the youth at this point हमें अपनी life का charge लेना चाहिए। A lot of times हम सिर्फ we're just living life and जैसी ऐसी situations आती हैं हम उनसे deal कर रहे हैं, but we do not sort of empower ourselves और जो life skills हम बात करते हैं, क्या मैं वो चीज़ पहले सीख सकती हूँ और क्या मैं उसे अपनी life में already implement कर सकती हूँ, could be some of the things, जैसे कि for example सबसे basic है खाना, क्या मेरा खाने का, जैसे I think I can't highlight enough as well and agree enough about caffeine. I think जो coffee culture है, it's become so common and normal and
become like a style statement ki hum Starbucks ki coffee pee rahe hain. And I think the whole idea of not understanding ki main wo, you know, wo uska impact mujh pe kaisa pad raha hai. And I think Brahma Kumaris also talks about different kinds of food, you know, jo shayad Paramji, if you want to highlight about, you know, har khane se hume kis tarike ki energy mil rahi hai. Yeah, you know, uska kya impact ho raha hai. I think we're not very thoughtful about it. Jab tak hume koi doctor nahi bol deta ki aap ek, you know, borderline pe hain of diabetes or whatever. And then people start thinking, achha, mujhe shayad walking karna chahiye. Ya mujhe koi physical activity karni chahiye. So I think things like taking care of what you're eating, ya fir including exercise was one of the play, you know, ek aapke chart mein jo coping mechanism ka aapne chart Dr. Sachin aapne dikhaya tha end mein. Exercise is something again, kyunki I think hamara lifestyle completely change ho chuka hai. Hum sirf baith ke most of the time apna kaam kar rahe hain, especially the last 2-3 years jab literally sab kuch online ho gaya hai. It's very important ki hum apni body ko move kare. And the things like serotonin jo ki bahut important aspects of brain hai, jo which is called the happy hormone, jo hame actually better feel karata hai. So I think things like that is very important to include. And agar hum isse pehle as a prevention tarike se use karenge to shayad hum situation ke liye bahut better prepare hoenge. And usi aspect ke saath, when we're talking about kya khana hai, you know, physical health ki baat kar rahe, emotional health, mental health, I think spiritual health is another very important component, jo ki, I think sabko explore karna chahiye. So Param Bhaiji, do you want to speak a little about you know, spiritual health ko kaise dekhna chahiye, kya matlab hota hai, kaise, you know, empower kar sakte hain wo aspect. Thank you so much, Jyoti Mehta sister. Thank you Bhai sahab. And Bhai sahab ne apne jo shuruaat kari hai, आपने ब्रेन के बारे में भी बहुत चीजें शेयर करी थी कि हमारे 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर देयर. एंड देन ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन हो गया, आपका डोपामाइन हो गया, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं. एंड योगिक लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हमारे पुरातन भारत में योगा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि हम अपने फिजिकल बॉडी को ठीक रख करके ऑटोमेटिकली वो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स को रिलीज कर पाते थे. एंड साथ ही साथ ध्यान में भी रखा जाता था, मुद्राएं सिखाई जाती थी, प्राणायाम सिखाया जाता था, जिससे कि हमारे चक्रस जो हों सारे बैलेंस में आ जाए, एनर्जी सेंटर्स बैलेंस में आ जाए. ये बहुत ही विस्तार के टॉपिक्स हैं जिनको हम अगले सेशन में भी और भाई साहब के साथ मिलकर के और डिटेल्स में भी लेके जाएंगे. लेकिन मुख्य क्या चीज है कि आपने जैसे कहा कि हम केमिकल्स, आउटसाइड केमिकल्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं. आउटसाइड केमिकल्स के द्वारा हम, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे कैफीन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्रग्स हो, इन सब के ऊपर हम डिपेंड होकर के अपने केमिकल्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बॉडी में, जिनको हम हैप्पीनेस हॉर्मोन्स कहते हैं. एंड हम राजयोग में सीखते हैं, ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं कि आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, या आप उनको कुछ लैंग्वेजेस में ध्यान भी कहते हैं कुछ लोग, कि जिसमें आप अपने आप को पहले अफर्मेशंस दें, स्वमान दें, अपने अंदर एक नशा चढ़ाए, कहते हैं ना कि अपनी घोट तो नशा चढ़े. तो हम अपने आप को भी अंदर से संकल्पों के द्वारा, अफर्मेशंस के द्वारा नशा चढ़ा सकते हैं. झूठा नशा एक होता है और एक होता है सच्चा नशा. कोई इंसान अगर ड्रिंक करके जा रहा हो, जैसे हम दार्जिलिंग में देखते हैं कुछ लोग अगर ड्रिंक करके जा रहे हैं, वो सारा दार्जिलिंग ही मेरा है, आई ओन दार्जिलिंग, तो ऐसे भी होते हैं. वो एक झूठा नशा हो गया, और फिर साथ में होता है एक सच्चा नशा होता है ना, जिसमें कि आप दूसरों का भला करने का सोचते हैं, आपके अंदर कोई अभिमान नहीं होता है. तो एक हो गया सच्चा नशा, जो कि हमें सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी में. एंड सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि हम हैं कौन, हम किसके हैं, और हम यहाँ करने क्या हैं. जैसे भाई साहब ने बहुत सुंदरता से कहा कि दुआएं कमाने, ब्लेसिंग्स, तो हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे कि हमारी ब्लेसिंग्स इंक्रीज हो रही है, कि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे हमारी कर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं हमारी लाइफ में. बिकॉज ब्लेसिंग्स हमारे एंग्जाइटी को बहुत हेल्प करते हैं कम करने में, डिप्रेशन को भी बहुत कम करते हैं कम करने में. और जहां पर हम बद्दुआएं कमा रहे होते हैं, वहां चाहे जितनी भी दवाइयां कर लो, जितना भी आप अल्कोहल, ड्रग्स, कैफीन खा लो, लेकिन कुछ ऐसी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो कि बहुत ही सटल एनर्जीज हैं, जो कि हमारे अंदर आत्मा तक हमें असर करती हैं.
उन चीजों को हमें मेडिटेशन के द्वारा ही कम किया जा सकता है, या एटलीस्ट एक ऐसी ऑरा हमारे पास में क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो हमें इफेक्ट ना करें। सो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें एफर्मेशन से स्टार्ट करें, जैसे कि अपने आप को हम सुबह उठते ही कहते हैं, जैसे कि आप अपना लैपटॉप खोलते हैं तो आपका एक प्रोसेस पीछे से स्टार्ट हो जाता है, विंडोज अपलोड होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ एंटीवायरस भी स्टार्ट हो जाता है जो कि देखता है कि कुछ गलत तो नहीं आ गया पिछले दिन के हिसाब से। वैसे ही हम अपने आप को हर सुबह उठ करके राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को कनेक्ट करें सेल्फ से, अपनी बैटरी ऑन करें, अपने आप को अच्छी बातें कहें। अगर हमें बददुआएं मिली हुई हैं तो मैं अपनी लाइफ में जो प्रैक्टिस करता हूं कि सबसे पहले मैं 5 तत्वों से माफी मांगता हूं, 5 एलिमेंट्स, क्योंकि हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। आपका अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, आपके स्काई एलिमेंट हो गए। ये सारे एलिमेंट्स हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, केमिकल्स का रिसाव है। वो फिजिकल बॉडी के अंदर अगर बैलेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी में डिसबैलेंस आया हुआ है। तो हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, अलग अलग अपने व्यवसाय में, चाहे जॉब में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, एंड हर एक की एनर्जीज हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और हमारी जो इमोशनल बॉडी है और हमारी जो केमिकल बॉडी है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें अगर हमारा ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट डे बहुत बुरा हो सकता है, या पूरा दिन भर बुरा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने 5 एलिमेंट्स के साथ में कुछ अगर हमने गलत किया हो, हमने पूरे दिन भर लाइट ऑन कर दी हो, पूरे दिन भर हमने गीजर ऑन करके रख दिया हो, हमने किसी तरीके से गलत तरीके से ओवर यूज किया हो 5 एलिमेंट्स को, तो हमें माफी मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिसको कहते हैं नम्रता भाव आना। सेकेंड चीज है कि हम सिर्फ 5 तत्वों से नहीं, हम विश्व की समस्त आत्माओं से, अपने भाई बहनों से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने समाज से, रिलेटिव से, सबसे अगर हम हम्बल होके माफी मांगे, उससे भी हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स का ऊपर नीचे जो भाव हो रहा है, रिसाव हो रहा है, चाहे वो ईगो के कारण हो रहा हो, चाहे वो गुस्से के कारण हो रहा हो, हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को हल्का बनाएं। तो ये विधियां जो होती हैं, ये हमें पहले क्या करती है, ग्राउंडिंग करती है, हमारे अर्थ एलिमेंट या हमारे मूलाधार चक्र से हमें रिलेट कराती है कि आई हैव टू फर्स्ट बी ग्राउंडेड एंड देन ओनली आई कैन लिफ्ट अप। जैसे रॉकेट भी क्या करता है, आपने देखा होगा सुपरमैन के बहुत सारे बच्चे मूवीज देखते हैं, तो पहले वो नीचे झुकता था, उसके बाद में जाकर के वो टेक ऑफ करता था। तो एक नीचे पावर बिल्ड करी जाती है, यू ग्राउंड योरसेल्फ एंड देन यू मूव अहेड इन लाइफ। सो सबसे पहली चीज हमें सिखाई जाती है कि आपको अपने आप को ग्राउंड करना इंपॉर्टेंट है। एंड ग्राउंडिंग में हम जब माफी मांगते हैं, कोनो एक आपकी एक बहुत अच्छी आई थिंक एक बहुत अच्छी एक प्रेयर है जो कि आपके अमेरिका के पास में एक आइलैंड में प्रैक्टिस करी जाती है, होपोनोपो, इसमें उस कहते हैं एक टाइप की प्रैक्टिस, जिसमें आप सबसे पहले आप माफी मांगते हैं, ग्राउंड करते हैं, उसके बाद आप शुक्रिया करते हैं। क्या हम दिन भर माफी मांग के शुक्रिया करते हैं औरों का, जिन जिन्होंने हमें मदद करी है अभी तक? क्योंकि अगर हम औरों को बददुआएं दे रहे होते हैं तो वो एक एंग्जाइटी का कारण बन जाता है हमारी लाइफ में। हम अगर अनग्रेटफुल रहते हैं लाइफ में तो भी हमारा कारण बन जाता है एंग्जाइटी का, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो हमें परमात्मा सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें कि दुआएं दो और दुआएं लो। तो धन्यवाद करना और उसके बाद में औरों को दुआएं देना कि थैंक यू, जितना भी आप सहयोग कर पाए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, ये किसी तरीके से हमें क्या करता है, बहुत ही रिलैक्स कर देता है हमारे हॉर्मोन्स को, हमें ग्राउंड कर देता है रियलिटी के साथ में, एंड हमें एक समतल लेवल पे ले आता है ताकि जहां से हमारी फुटिंग स्ट्रांग बने और वहां से हम आगे बढ़े। नेक्स्ट लेवल है हम कुछ अपने बारे में तो अच्छा सोचें, औरों के बारे में सोच लिए, 5 तत्वों को धन्यवाद कर दिया, ग्रेटिट्यूड दिखा लिया, सब चीज को माफी मांग ली, अब अपने बारे में क्या सोचूं। सो सबसे मुख्य चीज जो हम ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं अपने बारे में वो है कि मुझे अपने आप को 2 चीजों से बांटना है, एक है फिजिकल एस्पेक्ट और एक है हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। जैसे भाई साहब ने भी कहा बहुत ब्यूटीफुली, हमें आज पूरा टाइम यूथ को, जैसे आपने कहा यूथ आज पूरा टाइम फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, एंड हमारी जो 5 सेंसेस है उसी से वो सब कुछ इंफॉर्मेशन लेने के पीछे पड़ा हुआ है। एंड आई थिंक ईस्ट मीट्स वेस्ट में, आप वेस्टर्न कंट्री में हैं सिस्टर ज्योति एंड हम यहाँ ईस्टर्न कंट्री में हैं, बाहर से बहुत ज्यादा ये जो आपके बिहेवियर, संस्कार एंड हैबिट्स हैं वो इंडिया में आनी शुरू हो गई है। विदेश में कहा जाता है आपका कि ऑलमोस्ट अगर 40 मिलियन एडल्ट्स हैं
तो उसमें से 40% एडल्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स में या अदर कंट्रीज में वो एंजाइटी को पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं, और वो ये नहीं जानते कि उसका स्रोत क्या है। तो सोशल मीडिया, फेसबुक पे आना, लाइक ना मिलना, कम कॉन्टैक्ट्स होना, कम फ्रेंड्स मिलना, इंस्टाग्राम में लाइक ना मिलना, इन चीजों का तो बहुत ज्यादा लोगों को एंजाइटी है। सुबह उठते ही अगर हम मोबाइल फोन को खोल के देखते हैं कि आज मेरा रिप्लाई क्या है, मुझे लोगों ने कितना लाइक किया, कितना पसंद किया, ये एक रीजन हो जाता है एंजाइटी का। सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद फर्स्ट टेलिंग माई सेल्फ दैट आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एनीबडी इन माई लाइफ। मुझे किसी से कोई भी प्रकार का अप्रूवल नहीं चाहिए, मैं कंप्लीट हूं अंदर से, मैं परमात्मा पिता भगवान का बहुत श्रेष्ठ बच्चा हूं, भगवान की एक लकी एक देन हूं इस दुनिया में, और मैं इस दुनिया में कुछ देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया हूँ। ये मुख्य चीज है, वी आर हियर टू गिव नॉट टू टेक। जब हम सक्सेस को देखें और हम सोचते हैं कि सक्सेस लेने में ही आता है, तो सक्सेस की भी एंजाइटी हो जाती है, और बच्चों में आज बहुत ज्यादा सक्सेस की एंजाइटी है, चाहे वो एजुकेशन से लेकर के हो, चाहे वो औरों को प्रूव करने से लेकर हो, क्योंकि आपने यूथ की बात करी तो औरों को प्रूव करने से लेकर हो, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करी हुई है हमने सक्सेस को लेकर के। अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी फोटोज खींचना, अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करना, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। आंख खुलते ही आज बच्चे मोबाइल फोन के साथ में होते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए। आई वुड से दैट इट इज इम्पोर्टेंट, जैसे भाई साहब ने भी कहा है कि इन चीजों से दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। एंड जैसे भाई साहब ने कहा कि बचपन से ही इसकी शिक्षा दी जाए, सो बचपन से हमारे पेरेंट्स अगर हमें हमारे सामने अगर वो बैठे हुए हैं और उठते ही मोबाइल फोन चेक करते हैं, एक्सक्यूज मी काइंडली म्यूट योरसेल्फ भाई साहब, मेहता भाई साहब, थैंक यू सो मच। तो बचपन में अगर हमारे पेरेंट्स ही हमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी आदतें हमें दिला देते हैं जाने अनजाने में, जिस कारण से हमारे अंदर एंग्जाइटी बढ़ती है। पेरेंट्स अगर सुबह उठते ही अगर मेडिटेशन ना करें, योगा ना करें, एंड स्ट्रेट ऑफ फर्स्ट कप इज कॉफी, सेकेंड थिंग इज मोबाइल फोन हाथ में, कि आज क्या मैसेज आ रहा है, क्या बिजनेस प्लान्स हैं, आज जॉब में क्या है, कौन सी चीजें डेडलाइन से करनी कंप्लीट, उसके पीछे पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, हम सीधा लैपटॉप ऑन करते ही बिफोर वो आपका बूट हो जाए पूरा, हम सारे प्रोग्राम्स को क्लिक करना शुरू कर देते हैं। आप इमेजिन करो आपने लैपटॉप ऑन किया और सामने आपके सारे स्क्रीन पे सारे प्रोग्राम्स है और सारे को आप क्लिक करना शुरू कर दो, ऑन करना शुरू कर दो, हैंग हो जाएगा लैपटॉप भी। सेम हमारी अवस्था होती है, हम हैंग हो जाते हैं सुबह, ओवरलोडेड हो जाते हैं, सिस्टम को भी स्लोली स्लोली लोड किया जाता है। एक मशीन को भी, मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि मर्चेंट नेवी में जब हम जहाज स्टार्ट करते थे तो आस्ते आस्ते जनरेटर के ऊपर लोड डालते थे हम लोग, हम एक ही बार में पूरा लोड नहीं डाल देते थे, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का, पूरे कंपार्टमेंट्स का, सारे डेक्स का शिप में, हम एक एक डेक को, सेकेंड डेक, फर्स्ट डेक, थर्ड डेक को हम स्लोली स्लोली लोड करते थे एंड ओवरलोड पे नहीं डालते थे। लेकिन हम सुबह उठते ही अपने आप को ओवरलोड कर देते हैं, सीधा फोन उठाया, चीजें देखनी शुरू करी। सो ये कुछ हैबिट्स एंड डूज एंड डोंट्स जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा। सो मोबाइल फोन की जगह व्हाट डू वी डू, वी वांट पीपल टू अप्रिशिएट अस, किसने लाइक किया, व्हाई डोंट आई अप्रिशिएट माईसेल्फ, व्हाई डोंट आई लव माईसेल्फ, एंड व्हाई डोंट आई कमांड माईसेल्फ, मैं हर दिन अपने आप को कमांड दूं कि आज मुझे किसी का भला करना है, आज मुझे जैसे भाई साहब ने कहा मुझे किसी से दुआएं कमानी है, मैं आज क्या कर सकता हूं कि मैं दुआएं कमाऊं किसी से। तो कहा जाता है कि कर्म का फल बिना इच्छा रखे हुए जो कर्म किया जाता है वो सबसे उच्च कर्म होता है, ये भगवत गीता में भी है, ये बाइबल में भी है, बाकी शास्त्रों में गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि इच्छा के बिना कर्म करना, सबसे पहले हमें अपनी जो इंजीनियरिंग करनी है, इनर इंजीनियरिंग, वो है मुझे आज जो कर्म करना है मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं। जैसे भाई साहब आए हैं, आप यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है पे आकर के, वहीं मेरे अंदर एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपके साथ में बैठा हूँ, सारे जितने दर्शक के सामने बैठा हूँ, अगर मैं सोचता हूँ मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे जो दिल में है, परमात्मा ने जो सिखाया ब्रह्म कुमारी से, वो मुझे शेयर करना आकर के यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ में, ऑटोमेटिकली सारी एंग्जाइटी खत्म है। एंड आज हम पूरा टाइम औरों को प्रूव करने में, औरों को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है एंग्जाइटी का। और हम वो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स हमारे अगर औरों को इम्प्रेस करने में, चाहे वो जॉब हो, प्रमोशन लेने के लिए, चाहे बिजनेस में कोई क्लाइंट के साथ में हमारा बिजनेस हो जाए, कोई भी चीज में अगर वो हमें उनको देखते हैं वो औरों को इम्प्रेस कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, दैट इटसेल्फ मींस दैट वी आर नॉट पावरफुल इनफ टू डू दैट कर्मा और टू टेक ऑन दैट जॉब और टू डू दैट बिजनेस।
बिकॉज अगर सत्य है और अगर पवित्रता है हमारे अंदर, तो हमें कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है. एंड जहां हमारे अंदर सत्यता है, सत्यता मीन्स कि मेरा कर्म करने का एक ही कारण है कि औरों का भला हो. तो जैसे कहते हैं ना कि छाया हमारे पीछे पीछे होती है सुबह, उसके बाद में शाम को हमारे सामने आ जाती है. तो मैं कर्म के पीछे पड़ू, मैं सूर्य को देखूं, छाया पीछे रहेगी, लेकिन जैसे ही काम हो जाएगा मेरा पूरा, शाम को छाया मेरे सामने आ जाएगी. दैट मीन्स मेरे कर्म मेरे सामने आ जाएंगे, मेरी प्राप्तियां मेरे सामने आ जाएंगी. मुझे छाया को पीछे मुड़ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं कि मेरा फल कितना आ रहा है, मैंने जो कार्य किया उसका क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली शाम को मेरे सामने आ जाएगा. सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल सिस्टर. एंड अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कर्मा फिलोसफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. औरों को दुआ देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोई इंसान मुझसे आगे बढ़ रहा है, कोई इंसान मेरे से आगे नंबर लेके चला गया, कोई इंसान को मेरे से पहले प्रोजेक्ट मिल गया, किसी को मेरे से ज्यादा जॉब में प्रमोशन मिल गई, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्शियस, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम औरों को बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप और अच्छा करें. दैट मीन्स गिव देम मोर ब्लेसिंग्स टू गो अहेड इन लाइफ. एंड ये छोटे छोटे चीजें, सुबह उठकर के अफर्मेशंस, औरों से माफी मांगना, औरों को दुआएं देना, एंड ऑल्सो योगा प्रैक्टिसेस, और अदरवाइज रीड समथिंग गुड. वी रीड आर समथिंग नोन एज spiritual learnings on a daily basis in Brahma Kumaris. ऐसे ही आज दौर चढ़ा है positive messages भेजने का. हम forward तो कर देते हैं positive messages, लेकिन कभी कभी हम ये सोचे करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को चाहिए होगा ये मैसेज, इसको अगर ये मिल जाए मैसेज तो वो ठीक हो जाएगा. That itself, changing others, controlling others, trying to change others, also leads to anxiety in a life. क्योंकि अगर बच्चे को ही अगर आप पूरे दिन भर उसके ऊपर कंट्रोल करो कि तू ऐसे कर, ऐसा ना कर, ऐसा मत कर, वैसे कर, उससे भी एंजाइटी होती है. कंट्रोलिंग अदर्स इज आल्सो लीडिंग टू एंजाइटी. सो इफ वी फोकस ऑन आवर ओन पार्ट, हर एक आत्मा का, हर एक व्यक्ति का, हर एक ऊर्जा का, हर एक एनर्जी का, हर एक सोचने वाली आज आत्मा का इस दुनिया में पार्ट है. हर किसी को अपना पार्ट मिला, और हर कोई अगर अपने ऊपर फोकस करे तो आई थिंक देयर विल बी अ बैलेंस ऑफ केमिकल्स इन अ बॉडी. There'll be happiness in our body and also in our brain. And if we don't control others, or if we control na karein, to usse bhi hamare andar jo serotonin hai, jo hamare mood ke aur hormones hai, wo bhi balance rahenge. Jahan control kiya, cortisol release hua, stress hormone secrete hua, automatically dopamine kam ho jayega, serotonin kam ho jayega, and hamare stress hormones badh ho jayenge. I think that is all which I would like to say. And Sachin Parab Bhaiji would like to add something to this. Bhai sir? Am I audible? Mera awaaz aa raha hai? Haan ji, bhai sir. बहुत अच्छा बताया आपने. I am very happy. Actually, मुझे as a मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में मेरा रोल मेन डॉक्टर का रहा, इसलिए I restricted myself to the role of a doctor in anxiety. मैं जो भी शिविर लेता हूँ, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग करके परमात्मा ने एक सीरीज चलाई थी पीस ऑफ माइंड चैनल पे, तो हमने ये सब मेंटल हेल्थ के इश्यूज जितने भी है उन सबको कवर किया था. तो मैंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी का जो लाइफस्टाइल है, आई थिंक लाइफस्टाइल इज अ ब्रॉड हेडिंग, जो ज्योति बहन भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, लाइफस्टाइल केवल खाना और पीना नहीं होता है या कपड़े पहनना नहीं होता है, इवन थिंकिंग इज अ लाइफस्टाइल. आप कब सोते हो, कब उठते हो, आपने कल्चर के बारे में बात किया कि और पर्सनल के बारे में बात किया, ये सब राजयोगी लाइफस्टाइल में आ जाता है. सो इफ अ पर्सन फॉलोज अ राजयोगी लाइफस्टाइल जिसमें सुबह जल्दी उठना होता है, परमात्मा को याद करना होता है, गॉड अल्लाह ईश्वर को, अपने आप को चार्ज करना होता है, या सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट्स होते हैं, भोजन होता है ना, हमारी पूरी दिनचर्या ये राजयोगी लाइफस्टाइल में होती है. और मैं एज अ डॉक्टर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसका साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश इन इंटरनेशनल जर्नल्स, कि ब्रह्मा कुमारी लाइफस्टाइल को आप फॉलो करेंगे तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है जितने भी, उसमें काफी राहत मिलती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है. अगर एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो एंग्जाइटी का दूसरा नाम है डर. फियर एंड एंग्जाइटी दे गो टुगेदर, इसलिए मैंने पहला स्लाइड बताया कि दोनों में फर्क है. सर ने, परमजीत सर ने सोशल इश्यूज बताए, सिस्टर ने भी सोशल इश्यूज बताए, लोगों के परसेप्शंस के बारे में बताया.
फियर का रूट कॉज है द फियर ऑफ डेथ और द फियर ऑफ चेंज, और यहीं पे स्पिरिचुअलिटी काम करती है, बिकॉज दे से इन इंग्लिश ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिसगाइज। एक एंजाइटी का प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन, जैसे बच्चा माँ से अलग हो जाता है, या सिस्टर ने कहा था कि किसी की डेथ हो जाती है या हो सकती है डेथ, वो सोच के भी एंजाइटी होती है। तो इस सब डर की जड़ में है मौत का डर, और वहां पर ही स्पिरिचुअलिटी काम करती है। स्पिरिचुअलिटी राजयोग आपको बताते हैं कि यू आर इमॉर्टल, आप कभी मरते नहीं है। अभी एक्सेप्ट करना हर एक की बात है, ये भारत की फिलॉसफी है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 22-23वां श्लोक है, नैनम चिन्तयन्ते शास्त्राणि, कि हम अविनाशी है, हम इस शरीर के मालिक है। फॉरेन में भी अभी ये एक्सेप्ट करना चालू हो गया है कि देयर इज सम एंटिटी व्हिच सर्वाइव्स द डेथ ऑफ फिजिकल बॉडी। तो मुझे लगता है जैसे सिस्टर ने भी कहा, भाई साहब ने भी कहा, स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर अगर हम फोकस करें, WHO का डेफिनेशन आप सबने सुना होगा हेल्थ का, कि हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंफर्मिटी, बट इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। आजकल डॉक्टर भी कहने लगे कि वी आर नॉट फिजिकल, वी आर नॉट ह्यूमन बींग विथ ओकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बींग विथ ओकेजनल ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम ओरिजिनली बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है। तो ये जब हमको रियलाइज हो जाता है अंदर से, तो एंग्जाइटी रहती नहीं है। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार चला जाता है। तो मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी जो राजयोगी लाइफस्टाइल है, जिसमें भोजन भी आता है, जिसमें एक्सरसाइज भी आता है, जिसमें एक्टिविटी भी आती है, मेडिटेशन भी आता है, एटीट्यूड चेंज होने के लिए नॉलेज भी आता है, जिसको मुरली क्लास कहते हैं, ये पूरा पैकेज है, ये पूरा पैकेज है ये बीमारी को डॉक्टर से दूर रखने के लिए। और अगर आपको बीमारी है तो साथ में अगर दवाई के साथ अगर आप इसका अभ्यास करते हो, तो मुझे ऐसे लगता है आप डेफिनेटली केवल एंजाइटी ही नहीं लेकिन बाकी की बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, या तो फिर आपको बीमारी है तो आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और सर ने, परमजीत भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो ईगो है, तो ईगो की नीड्स होती है, वी कॉल इट ईगो नीड्स। तो उन्होंने दो ईगो नीड्स की बात कही, एक अप्रूवल, दूसरे मुझे अच्छा कहे, अप्रूवल की नीड होती है। दूसरा होता है दूसरों को कंट्रोल करने की नीड होती है। तीसरा एक नीड है जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं तो हम ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत भाई बहनों को बोलना सिखाते हैं, तो वो तीसरा नीड है दूसरों को जज करने का नीड है। कि अभी जैसे ये एंग्जाइटी वाला होगा तो वो जज करना चालू करेगा। दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस, कि हम दूसरों को जज करते हैं। अभी जज करना इट्स अ पावर, बट जजमेंटल बनना और किसी को सर्टिफिकेट देना ये अच्छा बुरा है, दिस इज ऑल्सो ईगो का नीड होता है। तो ये तीन नीड से अगर हम अपने आप को डिटैच करें और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉलो करें, तो हमारा बहुत सारा एंग्जाइटी और अदर एसोसिएटेड मेंटल डिसऑर्डर्स में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। एंड आई थिंक हम नेक्स्ट सेशंस में एंग्जाइटी के जो सेशन नंबर या 3 होगा हमारा, उसमें हम इन्हीं चीजों के बारे में, कंट्रोल करना या अपने अपने बारे में लो फील करना, अपने बारे में बुरा सोचना, इवन हेट टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, दैट कैन आल्सो इवन फिजिकल हार्म टुवर्ड्स आवरसेल्व्स बिकॉज़ ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन आल्सो, ये सारी चीजों के ऊपर हम विस्तार पर राजयोग को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इन चीजों को हम लेकर के हमारे 3rd सेशन में जाएंगे। एंड अभी हमारे साथ में आई है हमारी सिस्टर संध्या राय जी। सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव आए हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर के लिए, एंड आप एक प्रिंसिपल बॉडी हैं इन ब्रह्मा कुमारीज में भी हमारे लिए एज अ वरिष्ठ सिस्टर, एंड ऑल्सो इन सिक्किम यू आर एन एसोसिएट प्रोफेसर, आप लॉयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन के साथ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एंड आप स्पार्क विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के साथ भी एसोसिएटेड हैं, एंड आई बिलीव आप अपना टाइम निकाल के आए, आज स्पार्क विंग की आपकी मीटिंग चल रही होगी इस समय, लेकिन आपने वो सैक्रिफाइस करी है यहाँ पर हमारे साथ में आकर के, एंड हम आपसे सुनना चाहेंगे सिस्टर, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं,
कुछ अगर हमने मिस कर दिया हो आप प्लीज उसमें ऐड करिए, इसी को आप आगे लेके जाएं अलोंग विद मेडिटेशन। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाले हुए हैं एंड उन क्वेश्चन आंसर्स को भी हम सुनेंगे एंड उसके अनुसार हम आंसर्स भी देंगे। सिस्टर ऑन टू यू, आपको म्यूट कर लें प्लीज। ऑल द रेस्ट ऑफ द स्पीकर्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज वाइब्रेशंस आती हैं। ओम शांति। आज का ये जो पारिवारिक मीटिंग दार्जिलिंग की सेंटर की तरफ से जो आयोजन हुआ था ऑनलाइन में, ये बहुत सुंदर लगा मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिला। हम वी आर ऑल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, तो इसमें आज का जो तीन सेशन सुने थे, तीन महानुभाव महान आत्माएं जैसे डॉक्टर सचिन परब, उनको मैंने कभी कभी टीवी में सुना था, और एक क्लास स्पार्क के क्लासेस में भी हम आज आपके मुखारबिंद से जो सुने कि एंजाइटी के इतने वैरायटीज होता है, तो हम सिर्फ ऐसे कहते थे कि चिंता एक वर्ड ही चिंता है, लेकिन चिंता के कितने वैरायटीज है, और उस वैरायटी में भी आज का जो जनरलाइज्ड एंजाइटी जो सिंड्रोम है उसके अंदर में क्या क्या आता है और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो आपने एक बहुत डॉक मानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को जानकारी दिया, तो मैंने कहा दो आई एम अ टीचर ओनली बट स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। ये बहुत बहुत मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एज वेल एज गिव थैंक्स टू। तो ऐसे में हमारी ज्योति बहन ने भी यूके से अपना विचार व्यक्त किया था कि हमारी वर्तमान समय में लास्ट थ्री इयर्स से हमारी लाइफस्टाइल कैसे चेंजेस हो रहा है हम सबका, इंक्लूडिंग द यूथ्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू द स्कूल्स। तो उनको लाइफस्टाइल की वजह से भी बहुत सारे एंजाइटी का देखने लगे हैं, उनके सिम्टम जो जानते हैं उसको और डॉक्टर के मुताबिक अनुसार जो भी सिम्टम आज दिखाया गया था वो हम देख सकते हैं उन्होंने। तो इस लाइफस्टाइल के कैसे परिवर्तन करें वर्तमान समय में, और आध्यात्मिकता क्या कहती है कि इस एंजाइटी को हम कैसे कम करें और लाइफस्टाइल को कैसे चेंजेस करें। मैं हमारी परमप्रीत भाई जी ने भी जो बताया कि हम आई होप माई आई एम ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल? यस सिस्टर वेरी मच, थम्स अप टू यू, प्लीज गो अहेड। तो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में परमप्रीत भाई जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हमें बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन करना है और हमारी दुआ देने की जो एक्सरसाइज भगवान ने हमें सिखाई है उसको आगे रखना है। और जो इस मीटिंग में जुड़े हैं नए बच्चे भी हैं, नए फ्रेंड्स भी हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ये सिंपल एक्सरसाइजेस भी रहेगा कि दुआ कैसे देना, दुआ कैसे लेना, धन्यवाद कैसे देना, करते तो होंगे लेकिन अब हम कुछ फोकस होके हमारी लाइफस्टाइल को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और हमारी जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को जज करने के लिए, दूसरों को कंट्रोल हम कैसे कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली, हमारे अपनी बिहेवियर को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे सुंदर डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म में आ गए, तो आई फील आई माई सेल्फ ऑल्सो वेरी इनरिच्ड आफ्टर हियरिंग ऑल दिस थिंग्स। सो इसको हम छोटा सा मेडिटेशन करके, डॉक्टर सचिन परब ने बता दिया था कि हमारी लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना पीना और कपड़े पहनने का ही नहीं, लेकिन थिंकिंग भी हमारी लाइफस्टाइल में आती है। तो हम कैसे थिंक करें राइट सोचे, और इसमें परमप्रीत भाई ने जो जोर दिया था कि हम कैसे अफर्मेशन करें, हम कैसे दुआ ले या धन्यवाद ज्ञापन करें या क्षमा प्रार्थी बने, तो इसका कुछ एक्सरसाइजेस हम अब ये छोटा सा मेडिटेशन के रूप में अभ्यास करते हैं।
तो आप सब लोग का आत्माओं का इसमें स्वागत जनाते हैं। तो इस मेडिटेशन के बाद ही क्वेश्चन सेशन होगा और आगे क्वेश्चन सेशन रखेंगे, कौन सा ठीक रहेगा? मेडिटेशन कराएं, बिकॉज लोग अपना क्वेश्चंस भेज रहे हैं ऑलरेडी एंड दैट्स वंडरफुल। सो आप अपना शॉर्ट 5 मिनट्स का मेडिटेशन कराएं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ बढ़ जाएंगे। एंड जिनको क्वेश्चन आंसर्स हैं वो काइंडली अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में टाइप करते रहें एंड वी विल कम बैक टू यू। जस्ट ऑन टू यू, काइंडली म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। या सब अपने को थोड़ा पोजीशन में रखें और मैं कुछ सेंटेंसेस कुछ वाक्य को उच्चारण करूंगी, तो उसके साथ में आप करें। जो राजयोग मेडिटेशन जानते हैं या हमें मुझसे दिग्गज जो नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सिंपल वे में ये आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो इसमें परमप्रीत भाई ने एक बताया था कि हमारी दो एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट शरीर और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो इस मेडिटेशन में हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में फिजिकल बॉडी के अंदर ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो ब्रेन के न्यूरोकॉर्टेक्स एरिया में हम हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी और हम एक सोल एक कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के रूप में हम निवास करते हैं। तो उसी को हम विजुअलाइज करेंगे और उससे हम कुछ थॉट्स जोड़ेंगे और इसमें मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। इस शरीर के ब्रेन के मध्य में एक स्पिरिचुअल शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में मैं स्थित हूं। बिल्कुल एक स्टार की तरह जो रात में आकाश तो चमकती हुई सितारा दिखता है, बिल्कुल वैसे ही सितारा मैं भी एक हूं। और इस ब्रेन के मध्य में रहकर मैं इस संपूर्ण शरीर को संचालन कर रही हूं। ये शरीर मेरी 5 तत्व से बनी हुई है। और आज इस सत्र में मैं अपने शरीर के 5 तत्व को जो बाहरी वातावरण में भी है और मेरे शरीर के संरचना में भी बैठे हैं, उन सब 5 तत्वों को अगर मैंने जाने अनजाने में मिसयूज किया हो, गलत प्रकार से उसे चलाया हो, तो मैं आज आप सब 5 तत्वों को आगे क्षमा प्रार्थी हूं। हवा, धरती, जल, आकाश और अग्नि, जिससे मैं आत्मा सवार होने इस शरीर में भी उन तत्वों का खेल चल रहा है, इन तत्वों को मैं धन्यवाद भी देती हूं। और अगर मैंने कहीं गलती से कुछ किया है तो क्षमा प्रार्थी भी हूं।
मेरे इस जीवन में अनेक सारे आत्माओं के साथ मैंने पाठ खेले हैं, तो इस संसार की ड्रामा में जो मेरा रोल चल रहा है, इसमें जितने भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आए हैं, उन सबको अगर मैंने जाने अनजाने में दुख दिया हो, तो उनको भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे ही इस जीवन में अनेक सारे आत्माएं संबंध संपर्क में आते हुए मुझे हर प्रकार की सुविधाएं दी है, सुख दी है, उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये संबंध संपर्क में आते हुए अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो उससे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसने मेरा भी दिल दुखाया है, मैंने उन्हों का दिया हुआ दुख को स्वीकारा है, तो आज इस प्लेटफॉर्म में मैं उन सब आत्माओं को क्षमा देती हूँ। ये सब एक्सरसाइज से मैं खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा Sister Sandhya, your voice is muted. Kindly unmute yourself. Yeah, please go ahead. Okay. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी एक ऊर्जा है। बस इस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारी परमपिता परमात्मा है, जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप में है, और उनके अपने परमधाम जो हमारी मुख्य घर है, वहां परमधाम में परमात्मा स्थित है। तो परमधाम से परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली शांति की तरंगे हम सबके ऊपर आ रही है। और ये शांति मेरे आत्मा के अंदर मुझ में समा रही है। आई रियली फील रिलैक्स्ड। मैं खुद को शांति की शक्ति से भरपूर महसूस कर रही हूं। और ये शांति की तरंग प्रकंपन बनकर मेरे संपूर्ण शरीर में भी प्रवाहित हो रहे हैं। और मेरे चारों ओर के भौतिक वातावरण में भी ये शांति के तरंगे प्रवाहित हो रहे हैं।
ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या राय सिस्टर, आपने बिल्कुल शांत कर दिया। एंड आई थिंक हम सब ने सबसे माफियां भी मांग दी हैं, सबको दुआएं भी दे दी हैं एंड सबके प्रति प्योर थॉट्स, बिकॉज बिना ट्रुथ सच्चाई और बिना सफाई पवित्रता के हमारी एंग्जाइटी खत्म नहीं होगी। आपने इस पर बहुत ही बेहतरीन मेडिटेशन कराई है एंड पांच तत्वों से भी माफी मांगी एंड पांच तत्वों को भी दुआएं दी और आत्माओं से भी माफी मांगी। हर दिन अगर हम करें, फॉलो करें, तो हमारी एंग्जाइटी, जैसे भाई साहब ने कहा है, दुआएं दो दुआएं लो, हमारी एंग्जाइटी कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है जो हम हर कोई ब्रह्म कुमारीज में करते हैं। और अब टाइम आ गया है आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस का, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में जाने से पहले आप सबको एक चैट मैसेज में एक मैसेज आएगा एंड ये मैसेज आपको इसलिए मिल रहा है ताकि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाए, जहां पर कि सचिन पर भाई साहब से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ज्योति मेहता सिस्टर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, संध्या सिस्टर से भी कांटेक्ट, मुझसे भी कांटेक्ट करके, और बहुत सारा हमारे 19 और ब्रदर सिस्टर्स जो टीचर्स हैं, राजयोगा टीचर्स, रेकी टीचर्स, आपके नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, रेकी टीचर्स भी आएंगे एंड बहुत सारे टीचर्स से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। काइंडली क्लिक करें इस ग्रुप पर एंड काइंडली ज्वाइन करें एंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, आपको एवरी डे न्यू मैसेजेस ऑन एंग्जाइटी विल बी सेंट ओवर देयर। आई कैन सी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ब्यूटिफुल, क्लिक करें, ज्वाइन करें एंड इस पे आपको पालना मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ एंग्जाइटी एंड मेनी अदर थिंग्स। द मैसेज हैज बीन सेंट टू यू, काइंडली ज्वाइन इन। वंडरफुल। अच्छा, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं अभी। यहाँ पे पूछा गया है, ज्योति सिस्टर कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर? श्योरली आप इसमें ज्वाइन करें एंड ज्योति सिस्टर का कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। आप इस ग्रुप में ज्वाइन करें, आपको मैसेज भेज दिया गया है, यू कैन गेट इन टच विद हर, शी कैन हेल्प यू आउट इन द ग्रुप इटसेल्फ आल्सो एंड अगर वो चाहेंगी आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगी। वंडरफुल। एंड अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम वाला आपने क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू सो मच, आप ले सकते हैं नंबर, वी आर ऑल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर है अच्छा, सचिन सर का मुंबई एड्रेस शेयर, अच्छा ये भी कर दिया जाएगा भाई साहब, आपके ऊपर डिपेंड है। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट हस्बैंड, ही सफरिंग विद एंजाइटी, हाउ आई कैन हेल्प हिम? एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है सरबजीत जी ने, आई थिंक दिस इज मिस सरबजीत, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं एंजाइटी पर। आई बिलीव आपने, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पर आए हैं टीचर्स, ज्योति सिस्टर, सचिन परब भाई साहब, संध्या राय जी, आपके ऊपर अब ये सारे क्वेश्चंस थ्रो किए जा रहे हैं। सो आई थिंक सेशन लिया गया है, सो ये सेशन को ही अगर आप उनको भेज देते हैं, आई बिलीव दैट इज माई आंसर, अगर आप इस सेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं, इसकी कॉपी होगी एंड इसका लिंक दिया जाएगा एंड ये आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए आप ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी एंड वहां से आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिन्होंने मिस किया हो ये सेशन, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले संडे आने वाले सेशन के लिए भी उनको ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। आपकी आईडी और आपका जूम लिंक सेम रहेगा, बस यही होगा, न्यू स्पीकर्स एंड टॉपिक विल बी ऑलमोस्ट द सेम, एंग्जाइटी के ऊपर ही होगा, बट अलॉन्ग विथ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड मेनी अदर थिंग्स, जो कि आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। तो आई थिंक दैट विल आंसर the question. Param Bhaiji, if you don't mind, can I just add on to that one? Please. I think first of all, thank you question puchne ke liye, Sarabjit ji. I think firstly, jaise Param ji ne kaha, I think very beautiful aspect, jahan se aap shuru kar sakte hain, is affirmations. कौन से एफर्मेशन यूज कर सकते हैं एंड वो चीज हम एक्सप्लोर डेफिनेटली कर सकते हैं, बट एफर्मेशन एक ऐसी चीज है जो you know, you can start with, it's easier to, मतलब काफी specific होता है, even if अगर आपके husband या जिनको भी anxiety issues हैं, अगर हम अपने आप को reassurance या affirmations अगर हम लिखना शुरू करें, you will see कि 21 days में अगर आप continuous लिखते हैं, तो 21 days में if you don't miss any day, you will see, you know, you'll start seeing some changes.
क्योंकि हमारा ब्रेन रिवायर होने लगता है 21 डेज के डेज में. सो आई थिंक दैट कुड बी अ फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट. एंड सेकेंडली आई थिंक डॉक्टर सचिन ने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि इट्स अ पैकेज वेयर वी टॉक अबाउट राजयोगा. तो आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी फॉर हिम. तो यू नो इवन इफ अगर आप इस समय इस पॉइंट पे सोच रहे हैं कि यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, आपके पास एक ग्रुप का लिंक है एंड राजू का कोर्स होता है विच इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय ब्रह्म कुमारी. तो आप वहां से एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं अलॉन्ग विथ हिम एंड आई होप दैट विल बी हेल्पफुल. मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ. हाँ जी प्लीज. मैं कह रही हूँ कि हाँ सचिन भाई ने जो बोला है, मुझे भी पहले डर था मन में या कुछ ऐसे घबराहट होती थी जैसे अभी जब सचिन भाई ने प्रेजेंटेशन करके बताया वैसे ही. पर ये राजयोग मेडिटेशन से संभव है. हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हमें कोई चीज का कभी डर ही नहीं रहता है जीवन में. जब वो प्रकाश आता है तब अंधकार रहता ही नहीं है जीवन में. ये सचिन भाई ने एकदम बराबर बोला. और परम क्या नाम है भाई का मुझे समझा नहीं, वो भाई ने बोला और मेहता सिस्टर ने भी राइट बोला. और सही में रियली में हम सबको राजयोग की बहुत जरूरत है. मैं पहले सही में बहुत डिस्टर्ब थी और ऐसे ऐसा लगता था कि कभी डिप्रेशन में चले जाऊंगी. पर ये सचिन भाई का जो मैंने भगवत गीता के उसमें ज्वाइन हुई, फिर उनकी रोज मुरली सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे अच्छा लगा यानी मैं तो खुद शक्तिशाली हो गई हूँ. और मैं किसी को शक्ति भी ऐसी मैं बोल भी सकती हूँ कि रियली में बहुत ताकत है इस चीज में. क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि हमारा जैसे हमारा भारत देश, जैसे हमें भारत देश में हूं, तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे सचिन भाई चाहते हैं कि ये नशा बंद हो जाए, तो मेरा दिल से ऐसा है कि सही में ड्रिंक ना रहे ना तंबाकू रहे. और मैं इस पर कोशिश भी कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं राष्ट्रपति को मिलूं. भले ये संभव नहीं है राष्ट्रपति को मिलूं, पर ये राजयोग से वो शक्ति आती है हमारे में कि हम कुछ करें, यानी हमारे लिए नहीं इस दुनिया के ये देश के लिए कुछ करें. और ये राजयोग से ही संभव है कि हमारे में बहुत शक्ति आ जाती है. ब्यूटीफुल, थैंक यू. बहुत ही सुंदर सिस्टर. आपको भी नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन आप अपने ही जीवन के राष्ट्रपति बन पा रहे हैं और उससे ज्यादा क्या चाहिए हमें, है ना. एंड आपसे लोग मिलने आए एंड आपको वो आप उनको इतना आगे बढ़ाए जीवन में जो कि और कोई भी ना कर पाए. नहीं भैया, हेलो सॉरी, मैं बात कर रही हूँ कि मैं राष्ट्रपति बनूं ये जरूरी नहीं है. मैं सबको राष्ट्रपति बनाऊं ये जरूरी है. यानी सबसे हिम्मत आए कि हम भी किसी से कम नहीं है. हमारे अंदर इतनी शक्ति है, सिर्फ उन्हें जागृत करने की जरूरत है. वो सचिन भाई से मैंने सीखा है. पर्सनली मैं मेरा एक्सपीरियंस कहती हूँ. मैं छोटी थी तो मुझे डर तो नहीं तब से थी, पर आज ये सचिन भाई का सुन सुन के, ये मुरली सुन सुन के भी एक सवाल पूछना है. हाँ जी, हम क्वेश्चंस में जाएंगे. सिस्टर थैंक यू सो मच, आपकी भावनाओं को फुल रिस्पेक्ट देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. एंड मैं आपका क्वेश्चन लेने से पहले यहाँ पे एक बार पढ़ लो सिस्टर. यहाँ ऑटिज्म के बारे में पूछा गया. माय डॉटर हैज ऑटिज्म, सम टाइम्स शी हैज एंजाइटी आल्सो, पुट सम ऑफ सिचुएशन, सो हाउ कैन आई हेल्प हिम. अच्छा, आई थिंक हेल्प हर होगा. सो ऑटिज्म है उनको. सो कोई इस पे कहना चाहेगा? सचिन भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हर एक का ना पर्सनल फैमिली कंडीशन आपको समझना पड़ेगा, है ना. घर में कौन है, क्या चैलेंजेस है, क्योंकि इस शॉर्ट टाइम में सब कुछ समझना मुश्किल होता है. ऑटिज्म इज अ नॉट ऑटिज्म, इट्स अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. वी कॉल इट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें आती है. तो मुझे लगता है कि ये मदर ने पूछा है, कैन अंडरस्टैंड उसके हाल, उनके हालत क्या हो सकते हैं. क्योंकि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनको मेन तीन प्रॉब्लम होते हैं. एक तो उनको दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स को समझ में नहीं आते हैं, और सोशल सिचुएशन में उनको एंग्जाइटी हो जाती है. सो इट्स डेफिनेटली इट इज देयर. पर बिहेवियरल थेरेपी जो हम कहते हैं वो ऑटिज्म में बहुत मदद करती है. आई एम श्योर उनके डॉक्टर ने उनको कुछ दवाइयों के ऊपर रखा होगा. कुछ दवाइयां है जो USFDA ने अप्रूव की है. सॉरी, इन दवाइयों पर नहीं रखा है. वैसे ही वो मैं ही खुद उसको सेंटर पे ले जाती हूँ, मेडिटेशन वगैरह वहां करवाती हूँ, उससे फर्क पड़ा है, मगर दवाई पर नहीं है. तो
अगर बिहेवियरल थेरेपीज देते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत मदद करता है उसमें, और स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिहेवियरल थेरेपी हैज शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड डेफिनेटली मेडिटेशन, बट इट इज चैलेंजिंग आई वुड से, इट इज नॉट दैट इजी। वन मोर थिंग, मेरे फैमिली का एटमोसफियर भी बहुत अच्छा नहीं है, हस्बैंड बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और वो स्पेशली नेबर में जाती है तो वो भी गुस्से से बोलती है, उनसे वो कह देती है कि मेरे पापा बहुत ऊंची बोलते हैं ना, वो भी गुस्से से बोलते हैं इसलिए मैं भी बोलती हूँ। और उसकी एक फ्रेंड है नेबर में, वो उससे एक दिन इतनी ऊंची से बोली, वो गुस्से होके चले गई और घर जाके एक घंटा रोई, तो मैं उसे मनाने के लिए गई, फिर मैंने उसे मनाया कुछ गिफ्ट दे के। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एटमॉस्फेयर भी गुड नहीं है। मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ मेडिटेशन से गुड वाइब्रेशन भेजूँ अपने हस्बैंड को, अभी तो मैं उनको बाबा का बच्चा बोलती हूँ। मैं भी मेडिटेशन फॉलो करती हूँ मॉर्निंग में, बहुत सी क्लासेस ले रही हूँ, मगर सिचुएशन अभी चेंज नहीं हो रही, तो आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे। कुछ बोलू? हेलो, आवाज नहीं आ रही। ज्योति सिस्टर आप कुछ कहना चाहेंगे कि मैं कुछ कहूँ? भाई साहब कहेंगे कुछ? मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती थी कि जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो इवन विद टू पीपल विद ऑटिज्म डायग्नोसिस जब होता है, दे कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। तो अगर आप बोल रहे हैं उनको ऑटिज्म है, तो my first thing which I'm thinking is definitely obviously as Dr. Sachin bol rahe hain ki it's a very brief kind of information, bahut zyada help shayad usse nahi ho sakti hai, but jisne bhi diagnosis kiya hoga it's a good idea ki agar aap to begin aap meditation kar rahe hain, aapke partner bhi kar rahe hain, right, to jo aap kar rahe hain meditation wala aspect aap definitely kijiye, but at the same time mujhe mera opinion ye hoga ki जो भी डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है उनके साथ भी अलोंग साइड काम कीजिए, क्योंकि काफी कुछ चीजें इंडिविजुअल या पर्सनलाइज्ड होंगी उस बच्चे के लिए, तो जनरल सजेशन शायद यहाँ नहीं काम आएंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली हम यू नो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, पर शायद आपको बेटर रिजल्ट और फास्टर रिजल्ट बिहेवियरल थेरेपी के एस्पेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का एक डिफरेंट चार्ट बनाया जाता है एंड उसमें फिर आपको भी इंक्लूड किया जाएगा, तो आपको भी बेटर पता होगा कि मेरा बच्चा अगर ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो मुझे कैसे मैनेज करना है। बट टू बिगिन विथ आई थिंक मेरा ओपिनियन वो होगा कि आप यू नो अगर बच्चे को आप एंग्जाइटी हो रही, क्योंकि नॉट नेसेसरीली वो एंक्शियस हो रहा हो, बट शायद वो इरिटेट हो रहा हो, क्योंकि जैसे यू नो डॉक्टर सच ने भी समझाया कि और जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो बच्चा हर कुछ नहीं आपको आर्टिक्यूलेट कर पाता है, वो नहीं बता पाते हैं कि मुझे समय खाना चाहिए, गुस्सा आ रहा है, ये करना है, राइट, हम गेस्ट वर्क कर रहे होते हैं, इसीलिए प्रॉपर थेरेप्यूटिक मॉडल से उनको कम्युनिकेशन के जो भी उस जिस भी लेवल पे इंटेंसिटी पे होते हैं उस हिसाब से मदद मिलती है, इसलिए शायद एट दिस पॉइंट आपको एटलीस्ट यू नो उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, जिससे आपको भी पता चले कि आप अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सके, एंड ऑब्वियसली आप मेडिटेशन कर रहे हैं वो वाला एस्पेक्ट आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो शायद इधर आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ, ताकि वो इंडिविजुअली उस बच्चे को क्या जरूरत है उस पे केटर कर सके। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम, एंड यस डेफिनेटली बहुत एग्जॉस्टिंग होगा, आप तो अपना भी ध्यान रखिएगा। मैं बहुत रखती हूँ अपना, बस अपना रखकर वही बच्चों का ध्यान और परिवार का रखना पड़ता है, बस बाबा है साथ में, बाबा बहुत हेल्प कर रहा है, और यहाँ मैं कनाडा से बोल रही हूँ, एक्चुअली आई एम कॉलिंग फ्रॉम कनाडा वैंकूवर। थैंक यू सो मच सिस्टर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग, आई बिलीव वी हैव गॉन बियॉन्ड आवर टाइम, एंड हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, so I think we'll have to wind up very soon, and आपने अगर join नहीं किया है WhatsApp में, आप अपने questions वहाँ पर भी डाल सकते हैं, वहाँ पर हम आपके साथ में communicate कर पाएंगे personally, because यहाँ पे time की पाबंदी के कारण हमें अभी इस session को अगले session में ले जाना पड़ेगा, आप most welcome हैं, आप join करें, and आपके जो questions होंगे WhatsApp में उनको हम next session में भी follow up में लेके जाएंगे, ये हमारा promise है।
ये हमारा प्रॉमिस है आपके लिए, एंड प्लीज वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप व्हाट्सएप में ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस वहां पर लिखेंगे। आपको फिर से मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ, काइंडली राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, क्लिक एंड प्लीज ज्वाइन। ये 7 days तक आपको हम कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में इन चीजों को कवर करेंगे। आप हमें हेल्प करेंगे नेक्स्ट सेशन के इवन टॉपिक्स को चूज करने के लिए, ये आपकी मदद होगी हमारे लिए। And तो अभी मैं नहीं पूछ सकती हूँ। हाँ सिस्टर, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज हमारा 6:15 तक का सेशन था। थैंक यू सो मच, एंड आपका नेक्स्ट सेशन में हम लेके जाएंगे यही क्वेश्चन का, ताकि और लोगों को भी फायदा हो आपके क्वेश्चन के आंसर का देख करके। एंड आप प्लीज ज्वाइन करिए नेक्स्ट सेशन में, सेम लिंक है, सेम आईडी है, इसी आईडी पे नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं हम लोग, आप सबसे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत ही अच्छा गुण है आपके अंदर, थैंक यू सो मच। एंड सिस्टर ज्योति थैंक यू सो मच, सचिन भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, एंड संध्या दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आई अंडरस्टैंड मेडिटेशन टाइम शुरू हो गया हम सबका, विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। ओम शांति टू ऑल ऑफ यू।